मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन डू सब्सक्राइब। तो बच्चों, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट करा दिए थे और बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे करते हैं। वो 5 जो 6 क्वेश्चन थे, वो 7 क्वेश्चन में क्या डिफरेंस बिटवीन है, छोटा सा डिफरेंस है, वो हम देखते हैं। ठीक है, ये नंबर तो हमें पता ही है, ये नंबर तो पहले ही जैसे हैं, ये सारे नंबर दिए हैं। लेकिन जो ये जो टर्म है, एक जो टर्म आ गई है, ये आप इसको समझना कि इसके इसका यूज भी करना है। ये लिखा है सजेस्टिंग ग्रुपिंग, उसको ग्रुपिंग में लिखना है। ठीक, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, ये तो मैंने दूसरा उसका बी पार्ट भी लिख दिया। ठीक है, तो अभी जो बच्चे लिख रहे हैं वो कृपया अभी ना लिखे, नोटबुक आपके पास है, अच्छे से आप लिख सकते हैं, उसकी टेंशन मत लीजिए। आप क्वेश्चन को समझ लीजिए एग्जाम में कैसे हम करेंगे। ठीक है, उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो द नंबर ऑफ टोमेटोज पिक फ्रॉम टोमेटो प्लांट। ठीक है, देखो किसी जो हमारे टोमेटो हैं, टमाटर लाल लाल टमाटर किसी प्लांट से तोड़े जाते हैं, तो किसी प्लांट से 18 है, किसी प्लांट से 31 है, किसी प्लांट से 25 है, 16 है, 25, ऐसे उनको है। तो कह रहा है इनको सजेस्टिंग ग्रुप में करके उसे टेबल रिप्रेजेंट कर लो, टेली मार्क। ठीक है, टेली मार्क बहुत ध्यान से रहना, टेली रिप्रेजेंट करना टेबल। ठीक है, तो पहले ग्रुपिंग कर रहे थे, तो 0 से 5 में कोई नंबर हमें दिख रहा है यहाँ से? बच्चों देखो, 0 से 5 के ग्रुप में कोई दिख रहा नहीं, दिख रहा ना? तो इसमें हमें लगता है इस ग्रुप का यूज नहीं हुआ। ठीक है, 5 से 9 में हमें कोई नंबर दिख रहा? ये दिख रहा, एक 5 से 9 में हमें एक नंबर दिख रहा। तो इसको हम डायरेक्ट टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पता है कि यहाँ से हम चूज कर सकते हैं इसमें कौन कौन नंबर आ सकता है। ठीक है, चलो कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा ले, अपने पता चल जाएगा। ठीक है, पहले 7 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 7 हमारा एक बार है, उसके बाद हम देखते हैं 7 के बाद जो मना है तो उनसे उठा लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसमें 5 5 से इसमें 7 तक आ गया, 9 एक डिजिट का कोई नंबर हमें दिख रहा है? 1 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं है, हमारे 2 डिजिट का, यानी 10 में जाएंगे। 10 नंबर कोई दिख रहा है यहाँ पे? 10 यहाँ 10 नहीं है। ठीक है, 11 दिख रहा, ध्यान रखना ये जो ग्रुपिंग है ये किसकी ग्रुपिंग है? 5 से 9 की ग्रुपिंग। बच्चों कन्फ्यूजन मत होता, 0 से 5 में हमारे एक ही नंबर रिप्रेजेंट करना। ठीक है, दूसरा देखते हैं बच्चों, इसका यूज हो चुका, हम इसका देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका देखेंगे 10 से 14, तो 10 में हमारा एक 11 है। ठीक है, एक 11 है। ठीक है, उसके बाद हमारा 12 है, नहीं है 12, 13 नहीं है, यानी 14 तक हमें कोई भी नंबर यहाँ पे दिखना है 11 के अलावा। देखो 11 के अलावा हमें कोई भी नहीं नंबर नहीं दिख रहा। ठीक है, तो 11 में भी वन आएगा, यानी कि इसमें भी 14। ओके, अब रफ कॉपी पे इसको करना है, क्योंकि वहां जब हम टेबल को रिप्रेजेंट करें तो हमें कंफ्यूजन पैदा ना हो कि हमें क्या करना है यहाँ पे, बड़बड़ाए मत जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको, नेक्स्ट हमारा क्या है? 15 से 19, यानी कि 15 से 19 है, 15 में कोई दिख रहा है यहाँ पे? इलेवन का यूज कर सके, हटा दें इसको। फिफ्टीन में नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा दिख रहा हमारा? 16 दिख रहा, नहीं 16 दिख रहा, 17 दिख रहा। ठीक है, 17 के बाद हमारा 18 दिख रहा, 18 दो बार है। ठीक है, 18 और 18 दो बार, 18। ठीक है, 18 के बाद हमारा 19 है। ठीक है, ये 18 और है, यानी 18 तीन बार है। ठीक है, 1 2 3, यानी कि 18 थ्री बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 18 है 19। ठीक है, 19 भी एक बार है, 19 भी एक बार है। ठीक है, यानी 16 7, यानी कितने नंबर हमारे इसमें आ गए? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 नंबर हमारे 15 to 19 में आ गए। ठीक है,
आगे जैसे मूव करेंगे तो हमें पता चलेगा आगे आगे कौन सा आएगा, 20 आएगा और हमारा 25 आएगा, ठीक है। हमारा 5 नंबर तक जाएगा, 20 20 20 20 25, ठीक है, यानी नहीं 24 तक जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे 20 में कोई नंबर है, 20 में हमारा 1 है, 20 है बच्चों, इसको जरूर देखना, 20 यहाँ पे कहीं भी नहीं, 20 20 नहीं है, 21 है, 21 एक टू, वन और टू, टू बार है। 22 हमारा कहीं भी है, 22 नहीं है, 23 हमारा है, 23 23 23 एक बार है, ठीक है। अब देखें 24 हमारा है, 24 हमारा क्या है, 1 2 24 हो गया, ठीक है, दो बार, ओके, यानी कि 1 2 3 नंबर इसमें भी आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे चले गए क्या है, 25 से हमारा 29 तक, ठीक है। 25 हमारा टेबल है, 25 हमारा 1 2 यानी कि 25 दो बार। इसको अगर अच्छे से लिख लोगे तो ही हम टेबल अच्छे से रिप्रेजेंट कर, नहीं तो एकदम मैसिव कर देंगे, एकदम मिक्सर कर देंगे उसको, उसको नहीं करना बच्चों, ठीक है। आप बोर्ड पे ही देखना सबको, कहीं भी इधर उधर नहीं देखना, ठीक है। 25 पूरा कंप्लीट हो गया, 25 पूरा 26, 1 2 यानी 26 6 दो बार 26 है, और कहीं भी नहीं दिख रहा है, खत्म, ठीक है, फिनिश। अब हमारा जो नेक्स्ट आएगा हमारा गया 30 से, हमारा आएगा 34, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे हमारे, 30 हमारा ये है 30, ठीक है, 30 बन बार है, ठीक है, 31 टू बार, 1 2 32 दो बार, 31, ठीक है। हमारा 32 नहीं है, 33 है, फिर हमारा 34 बन बार, ठीक है। अब देखेंगे सारे नंबर मैंने रिप्रेजेंट कर दिए, अब ऐसे बस टेबल में ही रिप्रेजेंट करना, बाकी ये मेरा हाफ आधा वर्क हो गया, मतलब 1/2 हमारा वर्क हो गया, 1/2 और फिनिश रह गया, आधा ही वर्क रहेगा, ये जो मेन वर्क है यही, बस ये मेन वर्क है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं, जो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, ठीक है। ये चार्ट बना लेते हैं, ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारे क्या, टोमेटो पिक फ्रॉम द प्लांट, ठीक है, टोमेटोस टोमेटो पिक्ड फ्रॉम प्लांट, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा, टेलीमार्क, ठीक है, यहां क्या हो जाएगा हमारा, फ्रीक्वेंसी, बस इतना करना, बस अब बहुत सिंपल, पहले ग्रुप को तो हमारा ये ग्रुप काम के नहीं, तो पहला ग्रुप हमारा कहा 5 to 9, 5 to 9 में हमारे कितने कितने, एक ही आ रहा, बस ठीक, एक और ये 1, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्या है, 7 एक ही नंबर द्वारा, 10 to 14 कितना आ रहा, 1 आ रहा, 11 आ रहा, 1 ये 1। उसके बाद नेक्स्ट मूव करेंगे हमारा 15 to 19, ठीक है, इसमें कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6, 1 2 3 4 5 और 6 यानी कि 6, ठीक है। दूसरा देखेंगे हम, इसमें कितने भी, इतने भी बच्चे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हम इसको करेंगे बच्चों, तो इसको जब हम काउंट करेंगे, इसमें बच्चों एक चीज यहां मिस हो गई, ये 28 क्रॉस नहीं लगा, ये देखो ये यहाँ 28 और आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें भी कितने हो जाएंगे हमारे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिख सकेंगे 25 से
29 में हमारे कितने, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब 1, 2, 3, 4 इसमें भी 5 है, तो हमारे 30 से 34 में हमारे कितने 5 हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 पूरा कट जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है मिस्टेक, तो आप इसे कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम बी पे चलते हैं बच्चों, ठीक है। तो बी को देखते हैं, वो एक ही काम है, क्या है, सजेस्टिंग ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमारा क्या दिख गया, 1 से 25, तो 1 से 25 में कौन कौन से हमारे नंबर आएंगे, तो हमारा 1 तो आएगा नहीं, हमारा यहाँ 2 डिजिट के हैं, तो 25 देखेंगे, 25 से हमारा कोई दिख रहा, ये हमारा 26 दिख रहा, ठीक है। 26 से कोई नीचे में नंबर नहीं दिख रहा, यहाँ पे कोई भी बच्चों नंबर नहीं दिख रहा, दिख रहा है यहाँ पे नहीं दिख रहा बच्चों, ठीक है। तो इस ग्रुप का यूज नहीं होगा, हमारा कौन सा यूज है, 26 से 30 तक, तो 26 से 30 तक का देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो 26 नंबर यहाँ पे है हमारा 1, ठीक है, 26 है, 27, 26, 27, ठीक है, 28, 28 नहीं है, ठीक है, 29 है, ये 29 है, ठीक है, 29, 30 हमारा है, 30, 30 और 30। अब वो 2 डिजिट का नंबर कोई दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ 2 लिखा हो, 20 30 के बीच में कोई नंबर नहीं दिख रहा। अब आगे जब मूव करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 31 से 35, ठीक है। तो 31 का कोई नंबर देखते हैं, 31 का एक आ गया, ये देखो, ये 31, 32 नहीं है, 33, एक ही 33, 34, 34 ये रहा, 34, 35 ये रहा, ठीक है। तो नहीं, 6 नंबर है, फिर चलेंगे हम 31 से 35 हो गया, फिर आगे 36 से 40, अब 40 दे, 36 देखेंगे, बहुत आराम से देखेंगे बच्चों, 36, 36 ये रहा, 36 ये भी रहा, 37 हमारा ये रहा, 37 हुआ, 38 हमारा ये रहा, ठीक है, 39 हमारा ये रहा, ठीक है। 30 के टेबल में हमारा कोई भी दिख नहीं रहा, 4 की टेबल से स्टार्ट हो रहा है सारा नंबर। तो जब नीचे जाएंगे तो 41 से हमारा क्या जाएगा, 45 तक जाएगा, ठीक है। 41 हमारा कोई नंबर है, 41 नहीं है, तो हमारा 42 आ जाएगा, ठीक है, 42 बच्चों, बहुत आराम से करना है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, 42, 42 हमारा नहीं दिख रहा, हमारा 42 एक ही, 43, 1, 2, 43 और 44 है नहीं, 45 एक ही नंबर, ठीक है, क्लियर। ये सारे नंबर ग्रुपिंग में हो गए, बस आपको टेबल में इसको रिप्रेजेंट करना है, इतना करना, बस ग्रुपिंग में मैंने लिख लिए पहले, तो इसको टेबल में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या, नंबर ऑफ बुक्स, नंबर ऑफ बुक्स, ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स
सेफ ऑन द सेफ, चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। ठीक है, ये हमारा टैली मार्क हो जाएगा। ठीक है, फिर कैसे हो जाएगा? ठीक है, पहले ग्रुप का यूज नहीं है। दूसरा ग्रुप कौन सा हुआ था हमारा? 26 से 30 तक। ठीक है, कितना हमारे नंबर थे हमारे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऐसे होगा। ठीक है, 5 ये हमारे 5 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ था हमारा यूज? दूसरा यूज टेबल ग्रुप हुआ था हमारा 31 से 35। ठीक है, कितने हमारे? 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। हमारा ग्रुप है 36 to 40, तो इसमें कितने आ गए बच्चों? 3 to 5, 1 2 3 4 5, 5। आगे चलेंगे बच्चों, आगे चलेंगे। ग्रुप हमारा रहेगा 41 से 45, कितने हमारे में? 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो हमारे जो हैं जो नंबर्स, बस इतने। ठीक है, चलो तो बस आपको पता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होता है कि इसको सॉल्व करना है। जो बच्चे डायरेक्ट इसको सॉल्व करने लगे हैं, मान चल सीधे डायरेक्ट आएंगे, फॉरवर्ड करके सीधे स्क्रीन पे आ गए होंगे, वो कॉपी करना स्टार्ट। हम कॉपी जो बच्चे कर रहे हैं, वो मेरी बात सुन लें कि अगर आप इसको कर रहे हैं, अगर 2 मिनट इसको सीख लोगे ना, अगर नंबर चेंज भी हो जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन अगर नहीं भी मिलता है, तो इजिली आप उसे कर सकते हो कि सर ने कैसे बताया था। इसलिए कुछ आप इतना ही कर दोगे, थोड़ा बहुत ऐसा कर दोगे, कुछ मिस्टेक भी हो जाएगी तो टीचर कहीं चेक नहीं करेगा, तो टीचर को भी टाइम लगता है कि भाई ये कहीं कहाँ नंबर चूज करेगा वो। ठीक है, वो कहेगा चलो ठीक है सर, बच्चे ने अच्छे से रिप्रेजेंट किया बस ठीक है। कभी कभार हम लोग ना कभी कभी कॉपी चेक करते हैं, अच्छी कॉपी आ जाती है, सही से होती है, तो गलत क्वेश्चन भी हम चेक कर देते हैं। इजिली होता है कि हो जाता चेक जल्दबाजी में, और एक बार रेड पेन चल जाता तो हम नहीं चाहते कि उसे काट के करें, तो ये बात ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन हम चलते हैं 8 पर। ठीक है, 8 को अच्छे समझते हैं, इन दोनों को क्वेश्चन को समझ लिया, अच्छे से नोट कर लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, मैंने क्वेश्चन नंबर 8 पूरा नहीं लिखा, ये तो मेरा ये मेन पार्ट था वो मैंने राइट कर लिया। तो कुछ यूजिंग द इंटरवल क्लास इंटरवल, मतलब इंटरवल में डिवाइड किया, जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 किया तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे करना। उसमें मैं सजेस्टिंग ग्रुप दे दिए थे, इसमें मैं अकॉर्डिंग थोड़ा दिया गया, हिंट दिया गया 50 से 40 से 50 तक। और एक बात ध्यान रखना, 50 इज एक्सक्लूडिंग, मतलब 50 उसमें काउंट नहीं होगा, 50 जो दूसरे में काउंट करेंगे उसमें काउंट होगा 50। ठीक है, ध्यान रख, अभी आपको समझा दे रहा हूँ, टेंशन ना लो। तो हम देख लेंगे कहीं 40 से नंबर नीचे कोई है, 40, हाँ बेटा 40 से नंबर नीचे है तो नहीं, हमें एक ग्रुप और लेना पड़ेगा, कौन सा? 30 से 40 वाला ग्रुप भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसको यूज करते हैं बच्चों? यहाँ बने रहिए, देखते रहिए, सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। जिस बच्चों को हेल्प चाहिए वो इस चैनल को शेयर कर दे और दूसरे की हेल्प ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक, तो हम पहले से करते हैं, दूसरा सबसे ग्रुप लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं 30 से 40 वाला ग्रुप लेते हैं। और ध्यान रखना 40 इसमें काउंट नहीं करना, 40 दूसरे वाले में, जैसे ये हमारा दूसरा ग्रुप कौन सा? 40 से 50 होगा, नेक्स्ट ग्रुप 50 से 60 होगा, नेक्स्ट 60 से 70 होगा, नेक्स्ट 70 से 80 होगा, और ये 80 से ऊपर, हाँ 80 से ऊपर है, नहीं 80 से हमारा 19, ये ग्रुप हमारे बनेंगे। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो 40 नंबर है इसमें काउंट नहीं होगा, इसमें काउंट होगा आपके। ठीक है, ध्यान रखना। तभी एक बार एक स्पेशली लिख दिया कि 50 इज एक्सक्लूडिंग, मतलब वो नंबर काउंट नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो चलते हैं, 30 हमारा दिया गया कहीं भी, 30 अब देखते हैं, 30 30 9 30। ठीक है, तो हमारा कौन सा? 31 एक, नहीं 31 हमारा एक दिया गया। ठीक है, दूसरा 32 3 देखेंगे, स्टार्टिंग में 3 देखेंगे, 32 हमारा कहीं नहीं है। ठीक है, 30 बार हमारा देखो, 30 हमारा एक, हमारा 30 से एक स्टार्ट, ये हमारा ये 30 से एक, हमारा 30 से ये स्टार्ट है, इसमें एक 30 से हमारा ये स्टार्ट है, और एक इसमें 30 से ये है, तो नहीं यहाँ लिखें 30 से हमारा कौन सा, 30 हमारा 36 और 37। ठीक है, 3 हमारे
यार 3 नंबर है। और 30 से कोई दिख रहा है? मैं काट के देख लेते हैं। 36, 37, 38, ठीक है। 39 हमारा कहीं भी नहीं दिख रहा है। 39, 30 का, हाँ 37 एक और है बेटा, तभी तो देखते हैं, अच्छे से देखना होता। 37 एक हमारा ये, ठीक है। फिर देख, कोई दिक्कत नहीं, बार बार देख लो। देखो 39 एक और दिख रहा है, 39 तभी तो, ठीक है। अब एक भी नंबर हमें यहां से नहीं दिख रहा कि हमारा वो, ठीक है, आ गए, यानी 5 नंबर हमारे इसमें आ गए। नेक्स्ट मूव करते 40। 40 तो हमारा जीरो वाले कोई दिख ही नहीं रहे। 40 हमारा, एक हमारा 80 है, ठीक है। तो 80 इसमें काउंट होगा, उसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। 80 हमारा, 41, 40 वाले नंबर कितने हमारे? एक हमारा ये 40 का, एक हमारा ये, एक हमारा ये। 40 वाले नंबर देखो बेटा, 40 का हमारा ये और हमारा ये और हमारे ये 40 वाले फिनिश। तो 41 नहीं है, 42 है। 42, 42 हमारा एक 42 हो गया, एक 43 हो गया, ठीक है। 44 हो गया, 45 हो गया, ठीक है। 44, 44 हो गया, 45 हो गया, ठीक है, ठीक है। हमारा 47 हो गया, ठीक है, और 48 हो गया। हमारा ऐसा एक भी नंबर दिख रहा 40 के? नहीं दिख रहा, ठीक है। अब चलेंगे अब 50 से। 50 वाले नंबर देखेंगे, देखो 49 भी तो है, एक 49। तभी तो हम एक चीज को अच्छे से देख रहे हैं कि कहीं कोई चीज छूट ना जाए। छूट जाएगी तो आपको कंफ्यूजन होगी नेक्स्ट टाइम उसको देखने में, ठीक है। तो हम 50 देखते हैं। 50 हमारा एक ये 50 है, ठीक है। 50 से एक स्टार्ट ये, एक 50 से ये स्टार्ट है, कहीं मिले तो हमारा 51, ठीक है। 54 और 54, ठीक है। यानी कि 50 वाला अगर होगा भी तो आराम से दिख जाएगा। 3 नंबर, तीनों नंबर में दिख लिया। तो नेक्स्ट चलते 60। 60 का हमारा क्या है? एक हमारा ये 1, 2, 3। 48 के दो थे क्या? 48 हमने, एक 48 तो लिख लिया, 48 दो थे क्या? हाँ देखो, एक ये देखो आगे, देखो हमें आराम से चीजें दिख जाती है, कोई चीज छूट जाती है तो दिख दे। नहीं, 48 हमारा दो है, नहीं 48 हमारा दो है, 49। ओके अब चलते हैं 54। 54 के हमारे कितने देखे थे? 60 के देखे थे, फिर तो हो गए 60 के देखे थे, ठीक है। 61, 63 और ये ऊपर 60 का हमारे 62 ही है। यानी कि 1, 2, 3, यानी 61, ठीक है, 62, 61, 62, 63, ठीक है, और 69, और 60 से हमारा कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, फिनिश। अब 70 पे चलते हैं। तो 70 का एक हमारा ये 1, यानी क्या लिख रहे हैं? 70, 75 के दो ध्यान रखना है। ये पहले लिख रहे हैं 71, 1, 70, 70 और 70, ठीक है। देखिए 70 कहाँ पे डॉस हमारा, कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन तब भी हम देखते हैं। 71 हमारा ये था, 71, ठीक है। 73 हमारा कहीं था, 74, 71, 74 के हमारे दो है, ठीक है। 75 के हमारे दो थे, एक ही और एक, ठीक है।
76 तो है नहीं, 78 भी नहीं है, 79 है, 79। बहुत ही कंफ्यूजन होता है बच्चों, बहुत आराम से करना होता है। ठीक है, 80 तो इसमें काउंट नहीं होगा, 80 में हमारा इसमें काउंट होगा। ठीक है, तो 80, 80 और 80, यही तो बचे 80। ठीक है, तो 80, ठीक है, 82 और हमारा 84, सारे फाइनेंस हो गए बच्चों। कोई नंबर ऐसा है जो बिना क्रॉस का रह गया हो, ठीक है, ये बात समझे। अब इसका टैली मार्क रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आप इतना नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपने नोट किया वो, तो एक गलती थोड़ी नोटिस की है, 37 को 38 मैंने क्रॉस तो किया पर लिखा नहीं, ये बच्चों 38 हो जाएगा, ये हमारा 39। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। जब आप ऐसे करोगे तो आप चीज करने सीख जाओगे। ठीक है, थोड़ा हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, लेकिन आपको ये माया जाल नहीं करना है, क्रॉस लेना, आप पॉइंट डॉट लगाते चलना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बड़ी बड़ी चीजें डॉट लगाएंगे तो आपको शायद दिखे ना। ठीक है, बस इसकी फोके और एक दूसरी बात, इसको टैली मार्क नहीं बना, ओनली फ्रिक्वेंसी टेबल बनाना है। तो ठीक है, देखो करते हैं कैसे, ऐसे टेबल बनेगी आप। ठीक है, यहाँ आपको लिखा जाएगा जो आपको जो डाटा दिया उसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है, डाटा किस बारे में दिया गया, यहाँ देखो, यहाँ लिखने मंथली रेंट इन रुपीस, या लिखा मंथली, मंथली रेंट इन रुपीस। ठीक है, दूसरे में लिखा, दूसरे लगा एफ, एफ माने फ्रिक्वेंसी, बस इतना लिखना। ठीक है, अब ग्रुप को हम नोट कर लेते हैं आराम से। ठीक है, पहला ग्रुप हमारा कौन सा था, A40। ठीक है, दूसरा हमारा से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90। ठीक है, तो पहले बच्चों कितने थे हमारे, 6, इसमें कितने हो जाएंगे, 1, 2, 2, 4, 2, 8, सॉरी 6, 8, 8 आ जाएंगे। ठीक है, दूसरे में 3, ये वाले 4, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 और इसमें 3, इसमें 3। ठीक है, ये हमारा फ्रिक्वेंसी टेबल बन गया। तो आपने देखा हो इसका कुछ भी ज्यादा काम नहीं है, काम जो है आपका ग्रुपिंग करना है। आपको ग्रुप अच्छे से कर लोगे तो ध्यान रखना, ग्रुप को करने के लिए एक ही तरीका है कि आप अच्छे से लिखोगे और फोकस से करोगे तो ही इसे कर सकते हो, कि अंत ऐसे गलतियां होने के चांस हो जाते हैं, लेकिन आप फोकस के साथ करोगे तो कुछ भी नहीं हो और आराम से हो जाएगा इजिली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, डिक्ट टू क्वेश्चन नंबर हमारा 8 की रूम में। आपको इतना करना है, मैं आपको लिख देना हूँ, तो पहला इंटरवल यहाँ बनाएंगे, इंटरवल पहला इंटरवल बच्चों क्या होगा हमारा, इंटरवल जो होगा पहले से हमारा इंटरवल होगा 0 से 8 का बनेगा, फिर 8 टू 16 का बनेगा, और 16 से हमारा बनेगा 24 का, और 24 से हमारा बनेगा 32 का,
और 32 से बनेगा हमारा 40 का, और ऐसे ही बनता चलेगा, या 40 से बनेगा हमारा 48 का, और 48 से बनेगा हमारा 56 का, और 56 से बनेगा हमारा 64 का, ठीक है, ये बनेगा। ठीक है, अब आपको यहाँ देखने हैं, यहाँ आपको देखना है कि यहाँ पे जब इससे काउंट करोगे कि 0 से 8 के बीच में हमारे जो नंबर आएंगे 2 आएंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आप देखें इसमें चूज करना, आपको देखना और थोड़ा टाइम लगाना, आप समझ लो पजल टाइप का आपको ये वर्क करना, ठीक है। अब आंसर पहले से पता, बस आपको चूज करना है कौन कौन से नंबर यहाँ आएंगे, ठीक है। देखता हूँ बच्चा कौन सा नंबर हमें सॉल्व करता है, ठीक है, ठीक है। इसमें 6 आएंगे बच्चों, इसमें जो आएंगे हमारा 4 आएगा, इसमें हमारा 7 आएंगे, इसमें हमारे आएंगे, फिर इसमें भी 7 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, इसमें 5 आएंगे, इसमें 6 आएंगे। आपको बस इतने चूज करने, इसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। आपको अगर नहीं पता तो मैं करा सकता हूँ, लेकिन मैंने 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिए, तो आपको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। बस आपको चार्ट बनाना है, चार्ट आराम से बना लेना है इसका। देखो चार्ट कैसे बनेगा हमारा, यहाँ आपको लिखना, जैसे चार्ट बन जाएगा थोड़ा आपको भी वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसे लिखना है, यहाँ लिखना मैथ, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। पहला जो इंटरवल हमारा कितना था, 0 से 8, दूसरा इंटरवल 8 to 16, नेक्स्ट है 16 to 24, फिर हमारा 24 to 32, 32 to 40, 40 से 48, 48 से 56, ठीक है। एक इंटरवल और रह गया, ठीक है, आपको दिख भी नहीं रहा होगा, एक इंटरवल और बनाना है हमारा, ठीक है, यानी 56 से 58 बनाना। इसको रेस कर दे थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं रेज ही कर देते थे। इंटरवल बनाते हैं, ठीक है, इंटरवल बनाते हैं, एक हम टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल, ठीक है। पहला टेबल हमारा, टेबल में दो चीज डिवाइड होंगी, ध्यान रखना इसको, एक हमारा मैथ्स, ठीक है, मैथ नंबर, और हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। तो हम पहले नंबर लिख लेते हैं, 0 से 8 का टेबल आएगा, 8 से हमारा 16 का टेबल आएगा, 16 से हमारा 24 का रहेगा, 24 से हमारा 32 का रहेगा, 32 से हमारा 40 का रहेगा, 40 से हमारा 48 का रहेगा, 48 से हमारा 56 का रहेगा, और 56 से हमारा 64 का रहेगा, ये टेबल आएंगे, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हमारे पास रबर 2 करना है, यहाँ पे पहले से 2 करना है, यहाँ पे 6 करना है, यहाँ पे 4 करना है, यहाँ पे 7 करना है, यहाँ पे 7 करना है, यहाँ पे 8 करना है, यहाँ पे 5 करना है, यहाँ पे 6 करना, बस इसी को हम सॉल्यूशन बोलते हैं, सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन हो गया। अब आपको एक वर्क जरूर करना बच्चों, मैंने तो ये लिखा दिया डायरेक्ट, आपको बस चूज करके यहाँ लिखना है कि भाई जो 0 से 8 के बीच में, जैसे हमारे नंबर कौन, 0 से 8 के बीच में कौन कौन आएगा, हमारे एक 6 आएगा और हमारे एक 7 आएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे 6 और 7, ऐसे आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे 6 नंबर कौन से हैं, वो आपको यहाँ पे चूज करके यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है, आप वो नंबर को रिप्रेजेंट कर दोगे। वैसे भी आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, क्वेश्चन आपको याद नहीं होगा, जब पेपर होगा तो आपको याद तो रहे नहीं, यहाँ पे आपको नंबर सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने आपको बता दिया तरीका क्या है, मॉडल क्या है और कैसे करना है, उसको बस अप्लाई करना है डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 मैंने जानबूझ के डू सेल्फ लिखा है, इसे खुद करना है। इसमें एक दो चीजें मैं बता दे रहा हूँ, जैसे इसमें ग्रुपिंग जो करनी है उन्होंने पूरा पूरा हिंट दे दिया, जैसे 35 से 40 तक। अब आसमें इसमें आपको देखना है कि 35 से जो भी नंबर आपको आए, आपको 30 से जो भी 30, जैसे 40 आ रहा ना, तो 40 इसमें नहीं आएगा,
41, यानी कि जो आएगा 39.999, ये हमारा इसी में काउंट हो जाएगा। और ये अगर 30 ऐसे अगर 40.0001 हो जाता तो नेक्स्ट यानी 40 से हमारा 45 इंटरवल में हो जाएगा। ध्यान रखना, अगर कोई भी डेसिमल, ध्यान रखना कोई भी डेसिमल हमारा ये वाला है, यानी यहाँ पे 39 लिखा है तो इसमें ही काउंट हो जाएगा। अगर 40 लिखा है, ध्यान रखना 40 लिखा और 40 के बाद अगर ये पॉइंट लग गया, पॉइंट में कुछ भी लग गया, तो हमारा इस इंटरवल में काउंट होगा। बात ध्यान रखना, बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है और आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10, कुछ भी नहीं, थोड़े एक दो क्वेश्चन खुद भी करो, सारे मैं करूंगा तो क्या, ठीक है। तो अब मेरी आशा रहेगी कि आप ये 18 चैप्टर फिनिश हो गया। अब जो 19 चैप्टर है वो अपने मैं उस पर कराऊंगा, ठीक है, स्मार्ट बोर्ड पे कराऊंगा, थोड़ा उसको चार्ट आउट बना के, ठीक है। चलो तो कुछ यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, ठीक है बच्चों।